अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहम्मद आरिफ। जी नहीं, मैं हूँ मोहम्मद आरिफ और ये मेरा भाई है। ऐसा नहीं है, मैं एक ही हूँ। आपको बताता हूँ कैसे एडिटिंग की है मैंने वीडियो में। तो इसके लिए आपके मोबाइल में कैपकट ऐप होना चाहिए। कैपकट ऐप होगा तो आप इसको क्या करेंगे, उस ओपन करेंगे। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, जो प्लस का निशान है उसमें जाने के बाद अपनी गैलरी, तो जो भी वीडियो आपने बनाई है उस वीडियो को आपने इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे जिधर से आपने वीडियो रखनी है वहाँ तक ले जाके आपने इसको स्टॉप कर देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको स्प्लिट करके कट कर देंगे। जैसे अभी आप देखें, ये मैंने इसको जिधर से मुझे स्टार्ट करना है वो मैं सेट करता हूँ। सेट करने के बाद मैंने क्या करना है, ये लेयर जो है, लेयर के ऊपर फिंगर मारेंगे तो आपको नीचे स्प्लिट का निशान नज़र आएगा। ये स्प्लिट बना हुआ है, स्प्लिट पे आपने जाना है और आपके लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसको आपने क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, वो लेफ्ट साइड वाला उड़ जाएगा। ये मैंने इसको अब कट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। ये देखें अभी इसके अंदर क्या है, मैंने वॉइस म्यूट किया हुआ ताकि आप मेरी बात बराबर समझ सकें। ये हमने इस तरह इसको कुछ सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट आगे जाना है और इसका सेकंड पार्ट लेना है, जिसमें मैं आके ये कहता हूँ कि जी नहीं, ये मैं हूँ मोहम्मद आरिफ। तो ये जिधर से हमने स्टार्ट करना है सेम उधर जाके हमने वीडियो को स्टॉप करना है, फिर वही सेम प्रोसेस करना है, स्प्लिट पे जाना है और उसके लेफ्ट साइड वाला हमने कट कर देना है। तो इस तरह जो है ये हमारा दो पार्ट तैयार हो जाएगा। जब ये दोनों पार्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस जो है वो मैं अब आपको अभी बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है लेयर पे जाना है। ठीक है, लेयर पे ओवरले पे जाना है। ओवरले पे जाने के बाद हमने सेम वीडियो को हमने दोबारा से उठा लेना है। सही है, हमने सेम वीडियो को दोबारा से उठाया, फिर हमने क्या करना है, वो जो लास्ट का जो आपका जो मोमेंट है ना, ये वाला, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उससे पहले वाले पार्ट जो भी है वो हमने कट कर देना है। कट करने के बाद ये इस लेयर को जो है हमने स्टार्ट वाली वीडियो की तरफ, इसमें आप फिंगर रखेंगे और उसके बाद इस तरह लेफ्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आप फिंगर रखेंगे लेयर के ऊपर और आप राइट या लेफ्ट जिधर आपने करना है आप उधर आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, तो फिर ये जो है आपके उस वीडियो के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह की। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद एक मेन पार्ट आता है, उसमें जो है हमने इसको आपस में मर्ज करना है। वो किस तरह करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है मास्क में। मास्क में जाने के लिए जो है आपने इससे बैक हो जाना है। ये सेटिंग एडजस्ट करने के बाद जिधर से आपको लगता है कि सेटिंग हो गया है आपने बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपने क्या करना है, मास्क में जाना है। या आप लेफ्ट साइड पे नीचे वाली जो आपको दिख रहा है जिसमें स्प्लिट है, स्पीड है, ये सब, इसको लेफ्ट की तरफ करेंगे तो आपको ये मास्क का ऑप्शन दिखेगा। आपने इस मास्क पे जाना है। मास्क पे जाने के बाद ये आपको सेकंड नंबर पे जो आपको दिख रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ स्क्रीन पर बना हुआ आएगा। तो आपने क्या करना है, अपने दोनों फिंगर स्क्रीन के ऊपर रख के कुछ इस तरीके से आराम आराम से इसको इस तरह आपने घुमाना है। ठीक है, घुमाने के बाद जब आपको लगे कि स्ट्रेट हो गया है आपने स्टॉप कर देना है। और उसके बाद जो आपको एरो का एक निशान दिख रहा है, उस एरो के निशान से आप थोड़े से इसकी लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और उसके बाद फिर जो है आपका ये डबल रोल तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको जब प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें आप अपने हिसाब से जो भी मज़ीद खूबसूरती लाना चाहते हो अपने हिसाब से लेकर आएँ।
उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहम्मद आरिफ। जी नहीं, मैं हूँ मोहम्मद आरिफ और ये मेरा भाई है। ऐसा नहीं है, मैं एक ही हूँ। आपको बताता हूँ कैसे एडिटिंग की है मैंने वीडियो में।